भद्रं कर्णिभिः सिनुवामि देवा भद्रं पश्यमक्षभिर्जयत्रा स्थिरैरङ्गैः सृष्टिवांशस्तनुभिर्वशम देवहितमयदायु स्वस्ति नः इन्द्रौ वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब पूजा करते रहे, हम लोग जब आराधना करते हैं, क्यों ना मानव जीवन पूजा के लिए आराधना के लिए ही उत्पत्ति हुआ है। और दूसरा प्राणी जितना है लाखों लाख, ये कोई नहीं पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन करते हैं, करवा लेते हैं भगवान। सुबह में उठ के चिड़िया सब बोलती रहती है, उसके बाद में खाने के लिए दौड़ता है। सुबह में उठ के वो अपना कर्तव्य कर लेती है, गाना गा लेती है, भगवान को सुना देते हैं, वो उसका पूजा है। हर प्राणी का मुंह में आवाज दे दिए भगवान, उस आवाज से पूजा करते हैं। लेकिन सही पूजा का जो फल है भगवान प्राप्ति, वो मनुष्य को दिया गया है। पूजा पूजा पू मतलब पवित्रता, पू का मतलब पूता, पूता मतलब संस्कृत में पवित्रता होता है। जा जिससे उत्पत्ति होता है, जिस कर्म से, जिस आचार आचरण से हमारे भीतर में पवित्रता उत्पन्न होता है, उसी को पूजा कहा जाता है। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं भगवान के, प्रार्थना किया जाए कि हमारा आंख बहुत अच्छा अच्छा चीज देखते रहे और हमारा कान भी बहुत सुंदर चीज सुनते रहे, तो ना कान में कर्कश चीज जो हमको दिल में जास्ता नहीं, ऐसा चीज घुसने से पूजा में डिस्टर्बेंस हो जाता है। पूजा का सबसे बड़ी चीज है एकाग्रता, दिल को एक करके, जो दिल को एक करके पूजा करते हैं उसी का पूजा सफल होते हैं। बहुत आदमी होते हैं मंत्र जप कर लेते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, लेकिन दिल घूमता रहता है, दिल उधर उधर। एक कहानी है इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि राजा विक्रमादित्य का जो मंत्री थे, वो एक बार भ्रमण में निकले थे, बहुत देश विदेश भ्रमण किए करके जब लौट आए तो विक्रमादित्य ज्ञानी आदमी थे, तो विक्रमादित्य ने उनको पूछा कि मंत्री जी आपने क्या क्या अच्छा चीज देखा, क्या क्या अजब का चीज देखा, आश्चर्य का चीज किया, उसके बारे में बताइए। तो बोला अजब का चीज तो बहुत देखे हैं भाई, तुमको हम बताएंगे पीछे आपको, तो अभी एक बहुत आश्चर्य चीज हाल साल में हमने देखा। और क्या? तो एक आदमी हवन कर रहे हैं, वो हवन कर रहे हैं, दाढ़ी बहुत बड़े हो गए। तो मैं जाके पूछा कि आप कितना दिन से हवन कर रहे हैं, तो हो गया 100 साल, हमारा 25 साल उम्र से शुरू कर दिया, अभी हमारा 125 हो गया, 100 साल तक हम हवन करते रहे। तो क्या चीज का हवन करते हैं, तो देवी का हवन करता। तो आपको दर्शन हुआ, दर्शन तो नहीं हुआ अभी तक, तो 100 साल तक आप हवन करते रहे, दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक। तो ये हमको सबसे आश्चर्य लगा महाराज, इसीलिए आपको हम यही विनती करते हैं। तो कहां पर है विक्रमादित्य, बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे, बहुत व्यवहारिक आदमी थे, हिम्मतदार थे, बहुत साहसी आदमी थे। तो बोले कहां पर है, इनका ठिकाना बताइए, फलांडो। आए घोड़ा लाओ मेरा, हमारा तलवार भी लाओ, घोड़ा भी लाओ। तलवार लगा लिया, अपने को ठीक ठाक कर लिया, पगड़ी लगा लिए और घोड़ा पर चढ़ के चल पड़े, पहुंच गए वहां पर। पहुंच के देखते हैं यहाँ बंद कर रहे हैं, ओम देवाय ओम रिंग 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 चल रहा है उनका। तो प्रणाम, तो प्रणाम, तो आप हवन कर रहे हैं, हाँ कितना दिन था, तो 100 साल हो गया। क्या कहा, देवी का दर्शन हुआ। तो राजा ने कहा कि आपके ये चोरू लेके मैं करूं थोड़ा सा, कह कीजिए। तो पगड़ी खोल के हाथ मुख धो के बैठ गए राजा, बैठ के थोड़ा देर हवन कर रहे हैं। हवन करते 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 थोड़ा देर 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा, देवी तुम दर्शन दोगे तो दो, नहीं तो गर्दन चढ़ा दूंगा, तलवार निकाल लिए, तलवार गर्दन चढ़ा दूंगा। देवी तो निकल गए, निकल के बोला बेटा मत कर ऐसा, ऐसा काम मत कर। तो क्या चाहता है तू, तो मैं कुछ नहीं चाहता, हमने 10 मिनट नहीं किया तुमने दर्शन दे दिया, ये 100 साल किया दर्शन नहीं दिया, काहे का, ये क्या है, ये क्या विचार है। तो बेटा तूने तो गर्दन चढ़ाने लगा, तेरा तो दिल एक होके गर्दन चढ़ाने लगा, तो उसमें हमारा सिंहासन डूल गया, इसलिए हमको निकालना ही पड़ा। और ये तो है भवन करता है, दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है, घर की बात सोच रहा है, जमीन की बात सोच रहा है, पैसा की बात सोच रहा है, हाँ बाल बच्चा क्या होगा उसका सोच रहा है, क्या क्या सोचता रहता है, हवन करता रहता तो हमको दिल नहीं जाता है, तो नहीं निकलता। तो भगवान की पूजा तो हर लोग करते हैं, राम नाम सभी लोग जपते हैं, पर वाल्मीकि तो नहीं बनते हैं हर आदमी। रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, डाका वाल्मीकि बन गया, हत्तारा
खूनी वाल्मीकि बन गए और लोग अच्छे अच्छे आदमी भी राम नाम जपते हैं लेकिन राम का दर्शन नहीं होता। एक बार हमारा अपना बात बताता हूँ आप लोगों से। हम जंगल में रहते थे, आप लोग जानते हैं हम जंगल में बहुत दिन बिताए हैं, कम से कम 22 साल से भी ज्यादा बिताए। तो हम बहुत किस्म का साधना करते थे। एक दिन का बात है कि हमने सोचा, पानी पड़ रहा था, हमने सोचा कि अब राम का तपस्या करो, तो हम हनुमान बन गए। तो हनुमान बन के क्या किया, कपड़ा उपड़ा से उतार दिया, कुछ नहीं एकदम नंगा, जंगल में कौन देखेगा क्या है, है ना। कपड़ा उपड़ा से उतार के राम 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 जय राम जय राम जय राम पागल जैसा चिल्लाते हुए जंगल में घूम रहे थे, चिल्लाते है, दो हाथ ऊंचा करके जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम है, हे राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम चिल्लाते चिल्लाते घूम रहे थे दिन भर। शाम को आके हम लेट गए, ऐसे लेट गए। तो आप लोग सच बताते हैं, यहां पर भी राम यहां पर भी राम खड़े हो गए, धनुष है बहुत सुंदर खड़े हैं धनुष पर, हमको दर्शन मिल गए। आप लोग का यकीन हो रहा है क्या, यकीन नहीं हो रहा है? ये पतंजलि ऋषि बोलते हैं कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, जो स्वाध्याय करते हैं अच्छी तरह से दिल लगा के, स्वाध्याय का अर्थ मंत्र जप भी है, जो मंत्र जप करते हैं दिल लगा के उनको इष्ट देवता का दर्शन हो जाता है। पतंजलि झूठ नहीं बोलते हैं, पतंजलि झूठ नहीं बोलते हैं, कालजयी पुरुष है उनके, अभी हमारा महापुरुष लोग उनके नाम में हजमोला बेच रहे हैं और शैंपू बेच रहे हैं, लेकिन पतंजलि तो कालजयी पुरुष है। इनका एक एक बात को हम प्रमाणित हुआ है हमारी जिंदगी में, एक एक बात को प्रमाण किया है। 200 आदमी हमको पीटने के लिए आए थे, अहिंसा प्रतिष्ठान तो सन्निधि वही रहता है, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं उनके सामने शत्रु भी शत्रुता छोड़ देते हैं। तो हम खड़े थे, आए थे चारों ओर से बांस उस लेकर हमको पीटने के लिए। तो हम दो बात बोले कि भाई ये क्या कर रहे हैं अब, हमने बोले ये पूछने के लिए आपको बांस लेने का जरूरत नहीं, सुनिए। तो दो बात बोलने से वो लोग क्षमा उमा मांग के चले गए। आज तक बहुत ने हमको प्रयास किया, उलट देंगे पलट देंगे, हम नहीं उल्टे, हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जब जग बही। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तुम पूजा करोगे भगवान का नाम, तुमको एक घंटा करने का जरूरत नहीं है, तुम 10 मिनट भी भगवान का नाम एक दिल हो कि करते हो तो उससे भगवान का सिंहासन डूल जाता है। इसीलिए पूजा कहा गया है कि इस पूजा करने के समय प्रभु हमारा मन को विकसित कर दे, ऐसा कोई चीज हम देख नहीं ना देखे ना सुने, हाँ ना देखे, उसके बाद में हम स्वस्थ शरीर रहकर हर अंग हमारा पुष्ट हो और हम उस पुष्ट शरीर लेके हम भगवान का पूजा करते रहें तब तक जब तक परमात्मा ने हमको आयु दिया है, उसी के लिए हमारा जन्म हो। स्वस्ति न इंद्र, इंद्र इंद्र मतलब को होता है बुद्धि का राजा को इंद्र कहा जाता है, इदम द्र जिसको देखा जाता है, एक इंसान को हम क्या देखते हैं, इंसान का शकल नहीं देखते उनका बुद्धि देखते हैं, इसलिए इदम द्र जिसको देखा गया है वही इंद्र है। बृहस्पति बृहस्पति जो सभी देवताओं से बृहत है, बड़का बड़ा है, वो ब्रह्म है, बृहस्पति हमको शांति दे। पूषा जो पुष्टि देते हैं, सूर्य देवता परमात्मा वो हमको शांति दे। और ताक्ष गरुड़ जो कि सबसे बलवान है, उसको इंद्र भी नहीं हरा सका, कोई भी नहीं हरा सका, अमृत लेके चले गए, वही इंद्र ताक्ष हमको शांति दे, ये हमारा प्रार्थना है। तो आज अर्चना जी और शैल कुमारी जी का जन्मदिन मनाने को मौका मिल गया हम लोगों को, हम समझते हैं कि ये बहुत भाग्य है। क्यों ना देखो, जिंदगी एक आश्चर्य का चीज है, हम लोग खाते हैं पीते हैं हंसते हैं दौड़ते हैं, लेकिन हम लोग एक बार नहीं सोचते हैं कि कैसे हम लोग दुनिया में आ गए और कैसे हम लोग चले जाते हैं, हमारा पूर्वज लोग कैसे चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, जिस महापुरुषों का हम प्रणाम करते हैं वो लोग कहाँ चले गए, भगवान कृष्ण भी कहाँ चले गए। ये नहीं सोचते हैं कि हम आते हैं चले जाते हैं, दो दिन के लिए हम यह ड्रामा करते हैं थिएटर करते हैं फिर चले जाते हैं, इसमें हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए हमको। जिंदगी तो ऐसे नहीं होता है, कोई चीज एक्सीडेंट नहीं होता है, एक छोटा बीज को हम लोग जमीन में दे देते हैं कितना बड़ा पेड़ निकल जाता है, 1000 साल तक रह जाता है, 4000 साल तक रह जाता है, रेडवुड 4000 अमेरिका में एक बीज से जन्म लिया 4000 साल तक रह जाता है। तो इस पृथ्वी में कोई चीज हम देखते नहीं है कि अचानक होता है, अचानक अगर होता है तो उसके पीछे कोई चीज था जो हमने देखा नहीं, हमारा आंख से देखा नहीं पड़ा। तो हम जो पृथ्वी में आए हैं इसका क्या मतलब है,
भगवान ने हमको पृथ्वी में क्यों लाके आए हैं, मनुष्य के रूप में क्यों आए हैं। कहा जाता है कि दुर्लभम त्रयमेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्य सप्तम मुमुक्ष सप्तम महापुरुष संसार। तीन चीज इस संसार में बहुत मुश्किल है, शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य सप्तम, मनुष्य का शरीर पाना, मनुष्य सप्तम मुमुक्ष सप्तम, हमको मुक्ति पाना होगा, हमको भगवान पाना होगा, हमको इंसान बनना होगा, ये जो तमन्ना, ये तमन्ना और गुरु का संपर्क, किसी गुरु से किसी महापुरुष के साथ में संपर्क हो जाना, ये तीन चीज बड़ा पुण्य से मनुष्य को मिलते हैं। इसीलिए मनुष्य बहुत भगवानी होते हैं, मनुष्य बहुत भगवानी होते हैं। मनुष्य खाली खावे और सोवे और मर जावे, उसके लिए जन्म नहीं लिया है मनुष्य, जन्म लिया है क्यों ना जागे, हाँ, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागने के लिए कि हम मनुष्य हैं। देखो कुत्ता को कुत्ता बनने के लिए, बंदर को बंदर बनने के लिए, बिल्ली को बिल्ली बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करना पड़ता है, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं होता है, कोई आचरण का जरूरत नहीं होता है, हाँ, वो जैसा है वैसा ही है। लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य नहीं बने तो फिर जानवर बन जाएगा। हम जानते हैं पुराण में कथा है, राजा भरत भी हिरण बन गए थे, तो हम फिर जानवर बन जाएंगे। हमको मौका दिया गया, हम बड़े हो गए, भगवान कहते हैं तू तो समुद्र किनारे में आ गए हैं, अब तुम तो समुद्र में जाना है, तुमको मनुष्य बनना है, तुमको देवता बनना है, तुमको देवता बनना है, आए हो तुम जानवर जैसा, जानवर जैसा जन्म लेते हैं वैसे ही जन्म लिए हो तुम, लेकिन मरने के लिए तुम जानवर जैसा मत मरो, तुम इंसान होके देवता होके मरो। इट इज गुड टू बी बोर्न इन ए चर्च बट नेवर गुड टू डाई इन इट। हाँ, किसी संप्रदाय में जन्म लेना अच्छा है, लेकिन उस संप्रदाय में मरना नहीं है, संप्रदाय से ऊपर उठ के मरना है, भगवान को प्राप्ति करके मरना है। यह है हमारा मकसद, जो भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं कि सर्वे च पशुपशन्ति तलवद् भूतलीनरा तेषां ज्ञान प्रकाशाय वीर भावं प्रकाशाय वीर भावं सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्। ये जगत में सभी प्राणी जो है, सभी मनुष्य जो है, सर्वे च पशुपशन्ति, पशु जैसा खाते पीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन यही लेके बैठे हैं, तेषां ज्ञान प्रकाश, उसके भीतर में जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होता है, ज्ञान का दीप जलता है, हम दिया जलते हैं क्यों, ज्ञान दीप जैसा है, दीप तो नीचे नहीं जाता है ऊपर जाता है, ज्ञान भी ऊपर जाता है, ज्ञान नीचे नहीं जाता है। तेषां ज्ञान प्रकाश वीर भावम प्रकाश है, तो मनुष्य बन जाते हैं, वो वीर बन जाते हैं, उसके भीतर में गौरव आ जाता है, महानता आ जाता है, वीर भाव सदा प्राप्त क्रमीण देवता भवे, जब इस वीर भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, मानवता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। इसलिए देवता बनने के लिए तुम आए हो इस संसार में, ये जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है, तुमको याद करवा देना, हाँ फुर्ती फर्ती करना नहीं, शैंपेन उड़ाना, हाँ हा 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 करना नहीं, ये जगह जी लगाने का जगह नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है, जिंदगी तमाशा नहीं है। मरते दम तक मनुष्य को साधना करना चाहिए, विचार रखना चाहिए। हम ये सोचते हैं एक बात कि मनुष्य मरते हैं लेकिन साधना नहीं मरते हैं, मनुष्य का भावना नहीं मरता है, मनुष्य का ज्ञान नहीं मरता है, ज्ञान लेकर जाते हैं, उनका आदत नहीं मरता है, अच्छा आदत बुरी आदत होती है, अच्छा आदत कभी नहीं मरते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र हो गया, हम बूढ़े हो गए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, कोई नहीं बूढ़ा होता है, अपना जो काम किया गया है अपने जो है उसका दिल भर के करते रहना चाहिए, करते करते मर जाए वही बहादुर है, सोचते सोचते पछताते पछताते मर जाए वो तो बहादुर नहीं है, करते करते मर जाए। एक कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है, इसमें एक बार एक जहाज में चढ़ के एक सौदागर जा रहा था, तो उस समय टेलीविजन भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, कुछ नहीं था, जहाज में तो लंबा यात्रा था समुंदर में जाना, तो उसको बोर हो रहा था, तो जाके ऊपर चले गए डेक में, जहाज की छत में, डेक बोलते हैं उसको, जाके तो देखते हैं कि कैप्टन अकेला खड़ा होकर वो दूरबीन लेके देख रहे हैं, तो उसने सोचा सौदागर ने कि कैप्टन से जरा बात किया जाए तो थोड़ा सा टाइम बीत जाएगा, जाके कैप्टन को कहा नमस्कार जी, नमस्कार आप कैप्टन है, हाँ मैं कैप्टन, तो कब कितना दिन तक ये कैप्टन का काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं 25 साल हो गया, तो 25 साल हो गया कैप्टन का काम कर रहे हैं, हाँ आपका पिताजी क्या करते थे, तो हमारा पिताजी भी कैप्टन थे, तो उनका देहांत कैसे हुआ, तो उनका देहांत हो गया जहाज डूबकर, जहाज में धक्का लग गया, जहाज डूब के मर गया,
जहाज डूब के मर गए आपके पिताजी, तो आपका दादा, दादाजी क्या थे? वो भी कैप्टन थे। तो बोला वो भी कैप्टन थे? हाँ। उसका उनका मृत्यु कैसे हुआ? वही जहाज डूब के मर गए। तो नाना जी आपको जहाज डूब के मर गए, पिताजी जहाज डूब के मर गए, फिर आपको कैप्टन होने में डरने लगता है, तो बोलता आपका नाना कैसे मरा? कैप्टन ने पूछा। तो बोला हमारा नाना उस बिस्तर पर सोकर आ करते हुए दवाई खाते खाते खांसते खांसते मर गए। तो आपके पिताजी? बोलते वो भी ऐसे ही खांसते खांसते ओ ओ करते बिस्तर पर मर गए। तो बोलते आप रोज बिस्तर में जाने में आपको डर नहीं लगता? तो कह है कि कायर हजार बार मरते हैं और बहादुर एक बार मरते हैं। कायर हजार बार मरते हैं और बहादुर एक बार मरते हैं। इसलिए जब मरना ही है तो फिर अच्छा करके मरो। और सबसे अच्छा क्या है? जीवों का प्रेम करो, सभी को प्रेम दो और ईश्वर को भक्ति करो। ये होने से तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाता है। और तुमको धन कमाना, नाम कमाना, जस कमाना, इधर कमाना, ये सब माया है, इसमें फंसने का जरूरत नहीं है। तो आज लंबा हम कर देंगे तो जो जोगाग्नि का बदल में पेट में भोगाग्नि जल जाए, भोगाग्नि जल जाए तो ठीक नहीं होगा। बच्चे सब बैठे हैं, बूढ़े होते तो 4 घंटा लगाते, लेकिन बूढ़े बच्चे मिला हुआ है, इसलिए बूढ़े को हम कह रहे हैं बच्चे लोगों को पेट में जोगाग्नि की जगह में, ज्ञानाग्नि की जगह में भोगाग्नि जगा रहा है। हाँ, इसीलिए हम आज इन लोगों को भगवान की ओर प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को सुख शांति मिल जाए, अंत तक अच्छा रहे। और जिंदगी में अभी गुंजन जी ने जो कहा कि हमारा माँ का माँ दादी को और माँ को देखा था, वो लोग कैसे कैसे किया किया है ना, वो रात दिन भगवान का नाम, हमारा जो माँ का युद्ध रात दिन गोरी एकदम बहुत एकदम रात दिन वही चलता था, उनका सप्तगुण एकदम टलक झलकता था, तो रात दिन वही भगवान का नाम ले रहा है। अब क्या दुनिया से लेना देना, दुनिया सपना है। हम लोग तो मुंह में प्रवचन कर लेते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा श्लोकार दिन प्रवक्षामि शास्त्र कोठी भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन वो लोग तो प्रैक्टिकली किए हैं। वो तो कोई बात भी नहीं करता था, इधर भी नहीं करता था, किसी को डांटता ही चुप शुरू कर दिया। ये चलाक है, बहुत चलाक है। 100 साल जिए हैं, दांत एक ठो दांत को निकाल दिया गया और बाकी दांत ठीक ही था, और करते रहते हैं, अपना पकाते हैं, खाते हैं, भगवान का नाम करते हैं। चलो यही काम तो हमको भगवान ने दिया है और दूसरा काम क्या है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना उम्र बढ़ते जाए, जैसे गुंजन ने कहा कि पहले लोग एम्बिशियस होते हैं, हम धनी बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इधर बनेंगे, उधर बनेंगे, तो दुनियादारी का एम्बिशन एक उम्र तक होता है, उसके दूसरा उम्र में क्या होता है उससे बड़ा एम्बिशन चला आता है, बहुत बड़ा एम्बिशन। ये तो बहुत बड़ा एम्बिशन है, भगवान की भक्ति करना, भगवान को पाना, इससे बड़ा एम्बिशन तो कोई होता नहीं। जैसे नदी जाके गांव गांव में घूमते हैं, जाके समुन्द्र में मिल जाता है, और समुन्द्र में तो नदी नहीं रहता है, वो छोटा सा दुनियादारी का एम्बिशन से देख लेता है, भाई खाना पीना मिल भी गया, सोना भी मिल गया, सब बच्चे भी मिल गए, सब भी मिल गया, तो हुआ तो कुछ भी नहीं। हम तो जथा पूर्वे तथा परे, जैसे थे वैसे ही रह गए। तो अब करना क्या है? तो समुन्द्र में जाना है, उसमें कुछ मिलेगा। समुन्द्र में रत्न होता है, नदी के भीतर में रत्न नहीं होता है, नदी के भीतर में मोती नहीं मिलता है, समुन्द्र में मोती मिलता है। इसीलिए तुमको समुन्द्र में जाना है। तो आज फिर हम भगवान से ये कामना करते हैं कि हमारा आज जन्मदिन मानने वाले जो अतिथि हैं, ये दोनों का शांति हो और सभी का शांति हो और विश्व में सभी लोगों का शांति हो। हा? सर्व मंगलम शुभ तव जन्म दिवस सर्व मंगलम, सबका मंगल हो जाए। आज इतना ही करके हमारा छोटा वक्तव्य यही समाप्त करता हूं। पहले प्रसाद देते थे, टीका भी टीका तो लगा दिया।